शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने पर कश्मीर में अमन बहाली एवं घाटी में कश्मीर हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो दावे ठोके थे वह तमाम आज खोखले साबित हुए हैं। शिवसेना नेताओं ने कश्मीर में जारी अल्पसंख्यकों की हत्याओं को लेकर आज जम्मू के तभी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, अमन बहाली का वादा पूरा करो पकड़ काली पट्टियां बांध मौन धरना प्रदर्शन किया। साइनी ने कहा कि आतंकियों द्वारा लक्षित हत्याओं के माध्यम से दहशत फैलाने का सिलसिला जारी है जिसमें मासूम बेगुनाह नागरिक बलि का बकरा बने हुए हैं। भाजपा ने कश्मीर हिंदुओं के नाम पर समूचे देश में मात्र वोट बटोरने का काम किया, वह कश्मीर में उनकी रक्षा सुरक्षा करने में विफल साबित हुई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाने वालों ने भी घाटी में हिंदुओं की हत्या पर एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं बोला और ना ही किसी तरह की मदद का हाथ बढ़ाया। साइनी ने आतंकवादी संगठनों को अपनी नापाक हरकतों से बाज आने एवं गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही साइनी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीर हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला जारी है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर घाटी में पिछले 5 वर्षों में आतंकवादी संबंधी घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 34 लोगों की जान गई है। सन 2022 में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों समेत 13 लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। साइनी ने देश भर के राष्ट्रवादियों को एकजुटता का परिचय एवं कश्मीर में बसे हिंदू एवं अल्पसंख्यकों की हौसला अफजाई तथा आतंकवादियों की नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में 29 जून को जम्मू पहुंचने एवं चलो कश्मीर का न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।